हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा सरसों का खेती। तो दोस्तों जिस खेत में मैं मिर्च लगाया था दोस्तों, मार्च के महीने में लगाया था, 3 एकड़ का खेत था दोस्तों घर के पास, उसी में दोस्तों मैं सरसों बोया हूँ। लगभग आज से लगभग 1-2 सप्ताह पहले बोया था दोस्तों सरसों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कि सरसों का पौधा उगकर कितना बड़ा हो चुका है और किस स्थिति में है मेरा सरसों का खेत। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आप लोगों को मैं आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों मेरा घर, और ये देख सकते हैं दोस्तों पुआल रखने के लिए माचा बनाया गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों धान का पुआल हम लोग रखते हैं। जब भी दोस्तों गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए चारा की कमी होती है तो दोस्तों इसी में से हम लोग पुआल उतार कर पशुओं को खिलाते हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पीछे में, घर के पीछे में केला वाला गार्डन आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग शकरकंद लगाए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा जो सिंचाई के लिए बनाया गया है। और इतना सब बाकी को छोड़ के जितना भी आप लोगों को खाली एरिया दिख रहा है दोस्तों, अभी इसमें दोस्तों हम लोग सरसों बोए हैं। ये है दोस्तों खलिहान, खलिहान को छोड़ के इधर आप लोगों को आगे दिख रहा होगा वो फुटकल का पेड़ है दोस्तों, उसके जस्ट आगे जितना भी आप लोगों को एरिया दिखाई दे रहा है ये जो आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यही है मेरा सरसों का खेत। इसी में दोस्तों मैं मार्च के महीने में मिर्च लगाया था और मिर्च से लगभग अगस्त सितंबर तक प्रोडक्शन लिया, और लगभग आज से 10 से 15 दिन पहले इसमें दोस्तों मैं सरसों बो दिया हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरा सरसों का पौधा किस तरीके से है। हाँ तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि मेरा सरसों का पौधा कितना बड़ा हो चुका है उगकर। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यही है दोस्तों मेरा सरसों का पौधा। तो देख सकते हैं 1-1.5 सप्ताह में उगकर इतना बड़ा हो चुका है मेरा सरसों का पौधा, क्योंकि दोस्तों लेट से उगा था दोस्तों, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रहा है दोस्तों आजकल। हाँ तो दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं दोस्तों सिंचाई के लिए दोस्तों सरसों के खेत में हम लोग स्प्रिंकलर सेट किए हैं, जो कि दोस्तों आर्टिफिशियल बरसात कर रहा है सरसों के खेत में, क्योंकि दोस्तों सरसों के खेत में दोस्तों नमी की कमी हो गई थी और ऊपर से दोस्तों इसमें पानी की भी कमी हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं इधर दोस्तों सिंचाई हो चुका है स्प्रिंकलर के द्वारा। तो इधर का दोस्तों आप लोग मिट्टी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी गीला गीला आप लोगों को दिख रहा होगा, जबकि उधर का बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों उधर का मिट्टी देखिए आप लोगों को बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, नमी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर का जो सरसों का पौधा है वह बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और ताज़ा है। आप लोग नज़दीक से देख लीजिए, तो यहाँ पर बहुत ही घना उगा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर का एरिया जो है वो बहुत समतल है। इधर आप लोग देख सकते हैं और नमी की कमी नहीं है बिल्कुल भी। और इधर देख सकते हैं दोस्तों सूखा पड़ा है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों पानी का सिंचाई करना है स्प्रिंकलर के द्वारा। जब इधर सिंचाई हो जाएगा तो इधर वाला पाइप को खोल के हम लोग इधर स्प्रिंकलर सेट कर देंगे इधर। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है यूरिया और DAP। तो दोस्तों इसका भी बुआई करते हैं दोस्तों, जैसे कि सरसों इतना बड़ा बड़ा हो चुका है तो दोस्तों इसमें जैसे ही सिंचाई होता जाएगा वैसे ही दोस्तों हम लोग यूरिया और DAP का बुआई कर देंगे, क्योंकि खाद का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा दोस्तों अगर सरसों से अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो। और अगर नहीं लेना है तो खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो लेना है तो दोस्तों अच्छे से खाद का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को मैं अपना सरसों का खेत तो दिखा ही दिया और सिंचाई किस तरीके से कर रहा हूँ उसको भी दिखा दिया। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं ऐसा ऐसा वीडियो लेकर आते रहूँगा।